हरियाणा के टोहाना के गांव नांगला में बने अनाज मंडी की खरीद सेंटर पर गेहूं खरीद तुलाई में गड़बड़ी के मामले सामने आई है, जिस पर मार्केट कमेटी प्रशासन ने एक्शन लेते हुए संबंधित आर्थिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। विभागीय जांच में अधिकारियों ने मौके पर पाया कि उक्त फार्म मोहन सज्जन की ओर से गड़बड़ी की जा रही है, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार फर्म के राजनीतिक लिंक होने के चलते मार्केट कमेटी प्रशासन पर कार्रवाई न करने का दबाव भी आ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सचिव बलवान सिंह ने बताया कि किसान की फसल की खरीद परचेज सेंटर पर DFSC खरीद एजेंसी की ओर से आरती के मार्फत खरीद की जा रही थी। गांव समैन के रहने वाले किसान ने शिकायत देकर बताया कि उसकी फसल तुलाई में आरती की ओर से गड़बड़ी की जा रही है, जिसके चलते 8 से 10 किलो गेहूं अधिक तोली जा रही है। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे, जांच के तो पाया कि आरती की ओर से गड़बड़ की जा रही थी। उन्होंने बताया अब इस मामले में आरती के खिलाफ आगामी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल टोहाना मार्केट कमेटी से पहले भी धान के सीजन में गेट पास के मामले को लेकर सुर्खियों में आई थी, जिसके चलते अब एक नया मामला भी टोहाना मार्केट कमेटी के अंडर आने वाले खरीद सेंटर नांगला का जुड़ गया है। ऐसे में सरकार से किसान ने जांच सही तरीके से करवाने की मांग की, ताकि किसी किसान के साथ गड़बड़ी ना हो सके।